हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं राज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप जानेंगे कि ईयरफोन में कोई भी कंपनी हो, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी एक साइड काम नहीं करे, या जिसको बहुत लोग बोलते हैं कि वन साइड हो गया, मतलब एक साइड प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, तो उसको कैसे फिक्स करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो ठीक है, नहीं है तो आप इस प्रोसेस को छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियोज में, ये माइक का पिन होता है, ये ग्राउंड का, ठीक है, और ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ग्राउंड पे यानी बीच वाले पे फर्स्ट सेकंड वाले पे एक प्रोब रख देना है। उसके बाद देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक नहीं बज रहा है और दूसरा जो है बज रहा है, ठीक है, यानी आपका एक यहाँ पे कंडक्टिविटी बजाय आना चाहिए, ठीक है, आपको लगभग 25 ओम से 40 ओम के आसपास देना चाहिए, क्योंकि 34-35 मिला, ठीक है, ये नहीं बज रहा, ठीक है, लेफ्ट वाला इसमें नहीं बज रहा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पहले यहाँ से देखना है, यहाँ से तो कटा नहीं है लेकिन यहाँ से ठीक है, उसके बाद यहाँ देखना है, यहाँ भी ठीक है, हर मोड़ पे देखना है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे ही खराब हुआ होगा, अगर बीच में आपको कटा नहीं दिख रहा है तो यहाँ भी सही है, ठीक है। तब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको आप ओपन कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद आपको देखना है इसमें से कहीं तार तो नहीं टूटा, तो आप देख पा रहे हैं यहां से भी तार सही है, ग्लू के हेल्प से इसको चिपकाया गया है, तो आप इसको केयर से निकालें, निकालने में भी हो सकता है तार ये टूट जाए, तो आप इसको निकालिए पहले, यहाँ से डिसोल्ड कीजिए, ठीक है, डिसोल्ड कर लेने के बाद फिर से इसको चेक किया जाएगा। ठीक है, इसको मैंने अलग तो कर लिया, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज आपको दिखा दूं, आपका ये वाला कनेक्शन यहां तक सही है कि नहीं उसको चेक कीजिए, यहां पे जहां पे नहीं बज रहा था वहां पे आप सटा दीजिए। अब उसके बाद यहाँ देखिए, देखिए यहाँ तक बिल्कुल सही है, इसका मतलब नीचे पूरा क्लियर है, जो प्रॉब्लम रह गया अब इसी सेक्शन में रह गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आप, हालांकि तो आप देख चुके हैं वहाँ तक सही है, फिर भी मैं चाहूँगा एक बार आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि यहाँ से सही है या नहीं, यहाँ से भी यहीं से ही गड़बड़ होगा, देख लीजिए यहीं से गड़बड़ है, वरना आपको बीप साउंड मिलता, ठीक है, यहीं से ही गड़बड़ है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कुछ दूर काट दूंगा यहां से, ठीक है, कुछ दूर काटने के बाद फिर से मैं इसको चेक करूंगा, ठीक है, उसके बाद आप इसको हो गया, आप चाहें तो इसको माचिस से जलाकर यहां पे सोल्डिंग कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप थोड़ा सा ज्यादा रंगा लगा के, ठीक है, पहले तो आप पेस्ट लगा लीजिए, ठीक है, मैंने थोड़ा ज्यादा छील लिया है, आप जरूरत के अनुसार ही। अब देखिए इसको यहाँ पे किसी एक जगह पे आपको रख के थोड़ा सा रोके रहना है, ठीक है, खुद से इसका पॉलिश जो होता है वो जल के इस पे रंगा लग जाएगा, जैसे देख पा रहे हैं आप लग गया, फिर यहाँ पे भी सेम चीज करना है आपको, हो गया, रंगा लग चुका है, आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है, अब दिखेगा, देखिए ये दोनों पॉइंट पे यहाँ और यहाँ रंगा लग चुका है, और जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको आप काट के हटा दीजिएगा, मैं भी हटा दूंगा थोड़ी देर में, पहले एक बार चेक कर लिया जाए, यहाँ हुआ, देखिए 34, 35, 33 रीडिंग मिलने लगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है, बस वही मोड़ पे ही गड़बड़ था, ठीक है, पहले आपको इस मोड़ को काट के करना है, नहीं हुआ तो इस मोड़ पर करना है, स्पीकर बहुत रियल खराब होता है, 100 में 3-4% ही खराब होता है, अक्सर ये तार ही कट जाता है, वो भी कहाँ से, तो मोड़ से, तो बस मैं इसको इतना काट दूंगा, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद एक छोटा सा गांठ बना देना है आपको, ताकि अगर कभी खिंचाव हो तो ये बाहर तरफ ना निकले या तार नहीं टूटे, ठीक है,
कल फिर से इसको सोल्डिंग कर लेना है यहाँ। ठीक है, अब फिर से मैं आपको चेक कर, अगर मैं मोबाइल में लगा के चेक करूंगा तो आपको पता नहीं चल पाएगा, लेकिन यहाँ से तो आप क्लियर समझ पाएंगे। मैंने एक प्रोब ग्राउंड पे रख दिया, कोई रखे रेड ब्लैक कोई रखे कोई मतलब नहीं, बस कंटिन्यूटी आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ बज रहा है। ठीक है, अब देखिए पहले ये सही था, अब ये भी सही हो गया। ठीक है, इसका मतलब आपका लेफ्ट और राइट दोनों प्रॉपर तरीके से काम करने लगा। ठीक है, अब फिर आपने इसको जैसे खोला है उसी तरह बैठा दीजिए, और जब भी इसको अगर चिपकाने का बात आता है आपके पास तो कोई मैं बॉन फेविक्विक लगाने के लिए तो नहीं बोलूँगा, कोई भी बॉन फिक्स टाइप का आप लगा सकते हैं, बॉन फिक्स सन फिक्स ये सब टाइप का ही आप लगाइए, ताकि फिर फ्यूचर में खोलने में आसानी हो। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कोई कन्फ्यूजन रहा हो या कोई सुझाव हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।